गाजा के अल-शिफा अस्पताल का इस्तेमाल क्या वाकई में हमास के आतंकवादी कर रहे थे? ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है, लाजमी भी है। अस्पताल का आखिर पूरा सच है क्या? इस बारे में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीन के पत्रकारों की लगातार मौत हो रही है। 45 से ज्यादा पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मारे जा चुके हैं। गाजा से आ रही खबरों पर भी इस वक्त इजराइल का पहरा लगा हुआ है, लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो बेहद खौफनाक और बेहद डरावनी हैं। गाजा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध की रफ्तार बढ़ रही है और युद्ध में समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाशों का ढेर लगता जा रहा है। मौजूदा आंकड़े बता रहे हैं कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल के हमले में अब तक 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें करीब 5,000 बच्चे हैं और 4,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी 60% से ज्यादा मौतें महिलाओं और बच्चों की हुई हैं। जैसे जैसे इन हमलों में मौतों को लेकर इजराइल पर दुनिया का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे इजराइल 7 अक्टूबर की दहशत भरी कहानियों को दुनिया के सामने पेश करके दोबारा 7 अक्टूबर जैसी सहानुभूति हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह 19 साल की इजरायली लड़की है जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा किडनैप कर ली गई थी और इसकी हत्या अल शिफा अस्पताल के अंदर की गई। यह दावा इजरायल डिफेंस फोर्स ने किया है। यह हत्या कितनी दर्दनाक थी और इस हत्या को छुपाने के लिए हमास ने क्या कोशिश की, इजरायल डिफेंस फोर्स ने इस पर क्या बयान दिया है और इस लड़की की जिंदगी खत्म होने के पीछे की सारी कहानी क्या है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गाजा के अल शिफा अस्पताल की, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और खतरनाक सुरंग ढूंढने का दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा तलाश की गई ये वो नई सुरंग है जो अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर मिली है। इसके पहले भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक और सुरंग अल शिफा अस्पताल के पास होने का दावा किया था और उसकी तस्वीरें भी जारी की थी। देखिए किस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्स के एक सैनिक ने एक ही वीडियो में, एक ही फ्रेम में अल शिफा अस्पताल की इमारत और अल शिफा अस्पताल के बाहर मिली सुरंग की तस्वीर को कैद किया था और दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब ये दूसरी सुरंग है जो अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर मिली है। प्रोपेगेंडा करने में माहिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में दिखाया गया है कि ये सुरंग किस तरह से अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर से मिली है। सुरंग को अल शिफा अस्पताल की फेंसिंग के अंदर दिखाया गया है। ये सुरंग जो कि ऊपर से एक बड़े गड्ढे जैसी नजर आती है, इसके आसपास इजराइल के तमाम सैनिक नजर आ रहे हैं और इस सुरंग के अंदर बाकायदा लेजर रोशनी करके ये दिखाया गया है कि ये सुरंग कितनी गहरी है। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि ये सुरंग 50 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये सुरंग आखिर अंदर कहां तक गई है? क्या वाकई में अल शिफा अस्पताल के नीचे बने हेडक्वार्टर से ये सुरंग जुड़ती है? ये वो सवाल है जिनका जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स को देना है। जिस तरह से आईडीएफ ने सुरंग की तस्वीरें जारी की है, उससे एक बात तो साफ है कि जो दावा हमास और फिलिस्तीन की तरफ से किया गया था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर कोई सुरंग नहीं है, वो दावा बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। इसके अलावा एक डे केयर सेंटर की तस्वीर भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी की है और इस डे केयर सेंटर के अंदर, यानी वो जगह जहां पर बच्चे खेलते थे, यानी किंडरगार्टन, वहां से हथियार मिलने की तस्वीर भी इजराइल ने जारी की है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार
गाजा पट्टी के अस्पतालों, खासकर उत्तर गाजा के अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। फिलिस्तीन के एक अखबार में ये दावा किया गया है कि इसराइल ने ताजा हमला गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर किया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और अल शिफा अस्पताल की तर्ज पर अब गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी घेर लिया गया है। शायद इसराइल डिफेंस फोर्स को इंडोनेशिया अस्पताल में भी हमास के मिलिट्री बेस होने का शक है। दूसरी तरफ गाजा के अल शिफा अस्पताल में 3 साल तक काम कर चुके ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। अल शिफा अस्पताल और हमास के सुरंग हेडक्वार्टर से जुड़े इन दावों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोवा मार्कियानो की। ये तस्वीर नोवा मार्कियानो की है जिसकी उम्र 19 साल थी और वो इसराइल डिफेंस फोर्स के अंदर एक महिला सैनिक थी। 7 अक्टूबर को नोवा मार्कियानो का अपहरण हमास के आतंकवादियों ने कर लिया। जिस ठिकाने पर नोवा को बंधक बनाकर रखा गया वहीं पर 9 नवंबर को इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक में नोवा को बंधक बनाने वाले आतंकवादी मारे गए थे। नोवा को भी चोट लगी थी लेकिन नोवा की जान बचाई जा सकती थी। अब इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि घायल अवस्था में नोवा को अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया था, लेकिन अल शिफा अस्पताल के अंदर ही नोवा की हत्या हमास के एक आतंकवादी के द्वारा कर दी गई थी। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि नोवा की लाश अल शिफा अस्पताल के पास ही मिली है। इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हैज डिटरमाइंड नोवा'स इंजरीज वर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। आई रिपीट, नोवा'स इंजरीज वर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। What happened to Noah? The world should ask what happened to Noah. According to the intelligence we have in our hand, a concrete intelligence, Hamas terrorists took Noah into Shifa Hospital, where she was murdered quickly. Hamas murdered Noah inside Shifa Hospital. इसराइल डिफेंस फोर्स ने लगभग 1 हफ्ते से अल शिफा अस्पताल पर कब्जा कर रखा है और वो अल शिफा अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और इसी दौरान उसे अल शिफा अस्पताल का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसको रिलीज करके इसराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादी हेडक्वार्टर के रूप में कर रहे थे। इसराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा दी गई सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 7 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:55 की यह तस्वीर है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल पर आतंकी हमला भी 7 अक्टूबर की सुबह ही हुआ था। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल साफ नजर आता है कि पूरे वीडियो में ऐसे कई लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने बाकायदा अत्याधुनिक बंदूकें रखी हुई हैं, उनके कंधे पर अत्याधुनिक हथियार नजर आ रहे हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि इस सीसीटीवी फुटेज में 2 बंधक दिख रहे हैं। एक बंधक थाईलैंड का नागरिक है और दूसरा बंधक नेपाल का नागरिक है। इसके अलावा एक बंधक को घायल अवस्था में अस्पताल के अंदर लाया गया था जो स्ट्रेचर पर नजर आ रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। ये डॉक्टर 3 साल तक गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। ये कहा गया था कि अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास के हेडक्वार्टर का दावा करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर है कि गाजा में मौजूद हमास उनके सहयोगियों को मार सकता है। अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किए जाने की वजह से मैं गाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहा, लेकिन मैंने कुछ संदिग्ध से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेसमेंट के अंदर जाते थे। इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस ब्रिटिश डॉक्टर के इंटरव्यू को आधार बताते हुए एक बार फिर कहा है कि इस इंटरव्यू से साबित होता है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों के द्वारा हेडक्वार्टर की तरह किया जा रहा था।